अभी क्रूज टर्मिनल पे आ गए गाइस, और ये रहे मेरे दो अनमोल रतन। एंड ये रहा मेरा रूम क्रूज पे, बहुत ही ब्यूटीफुल है यार। डोर क्लोज कर देते हैं। और ये मैंने कॉस्ट्यूम आज पहना हुआ है, कैसी लग रही हूँ? पटाखा, एकदम धमाका, एकदम रॉकचिक। ये है हमारा बाथरूम, इसकी लाइट कहाँ से ऑन होती है अभी तक मैंने फिगर आउट नहीं किया है, बट हम फिगर आउट कर लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। ये मेरा बाथरूम है, यहाँ आप शावर ले सकते हैं। ओके, दिस कबूद जहाँ पे आप अपने कपड़े रख सकते हैं। यहाँ पे एक चेयर है जहाँ पे आप बैठ के लैपी पे काम कर सकते हैं। वाटर बॉटल, टेलीफोन, छोटा सा टीवी एंड ए हट हट सामने से। सो द गिफ्ट हैम्पर, इन्होंने मुझे एक गिफ्ट हैम्पर दिया है, बहुत क्यूट है, बहुत ही प्यारा है ये गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू कॉर्डेलिया क्रूज एंड इंत्रा लाइफ फॉर गिविंग मी दिस क्यूट 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 बास्केट। ओके, फिर आगे चलते हैं हमारे दूसरे बालकोनी के नज़ारे पे। और दिस इज सो नाइस। दो चेयर लगे हुए हैं गाइस यहाँ पे, प्यारा लग रहा है ना। इतनी भी बड़ी बालकोनी नहीं है, क्रूज पे ज़्यादा आपको बड़े बड़े रूम और बालकोनी तो नहीं दिखेंगे, बट क्यूट है। मुझे वो गाना भी याद आ रहा है, समंदर में नहाते और नमकीन हो गई। मुझे डर लग रहा है, ओ भाई लाइट बहुत ज़्यादा। हाय गाइस, हाय। वो लोग अभी बालकोनी में हैं एंड मेरी कॉस्ट्यूम आ गई, मैं अभी कॉस्ट्यूम ट्राई करूँगी एंड देन उसके बाद हम रिहर्सल करेंगे एंड देन रात में मेरा परफॉर्मेंस है। पता नहीं क्या होगा, बट मतलब नर्वस हूँ और डर भी लग रहा है कैसा जाएगा कैसा नहीं, और कहीं मैं गिर गई तो स्टेज पे, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में, अभी मिक्स फीलिंग आ रही है। खुश भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, पर डर भी लग रहा है और नर्वस भी हूँ बहुत ज़्यादा। सो देखते हैं अभी कैसा जाता है हमारा परफॉर्मेंस। अभी फटाक से जाके कॉस्ट्यूम ट्राई कर लेते हैं। मैं सो गई थी। मैं आपको थोड़ा सा मेरे कॉस्ट्यूम की एक झलक दिखा देती हूँ, पहन के नहीं बताऊँगी। मेरा फाइनल लुक आपको मेरे परफॉर्मेंस के पहले ही पता चलेगा, जब मैं बहुत अच्छे से तैयार हो जाऊंगी तब मैं आपको एक बार लुक दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या पहना है मेरे लाइव डांस परफॉर्मेंस के लिए। बट अभी मैं आपको बस कॉस्ट्यूम की एक झलक दिखा देती हूँ। गाइस, हमारे पास ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन है ब्लाउजेस के, एंड ये स्कर्ट आएगा नीचे शाइनी शाइनी, एंड इसके अंदर ये शॉर्ट आएगा। मैं अपना खुद का भी एक कॉस्ट्यूम लेकर आई हूँ साथ में कैरी करके, पर मैं आपको फाइनल लुक डांस परफॉर्मेंस के पहले बताऊंगी। ओके, गाइज आफ्टर रिहर्सल्स हम यहाँ पे थोड़ा अपना मूड लिफ्ट करने के लिए आए हैं। शो इट, नज़ारे देखो गाइस, शो इट। गाइज, शो टाइम, हम लोग रेडी हो रहे हैं एंड हियर इज आवर गर्ल।
व्हाट्सअप गाइज, हमारा परफॉर्मेंस हो गया है, हम आ चुके हैं अपने रूम में। एंड इसको देखो, इसकी तो हालत ही खराब है, सो टायर्ड। द परफॉर्मेंस इज लिट, बहुत ही ज्यादा स्टनिंग परफॉर्मेंस है इसका, और वो तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो कमेंट डाउन कैसा लगा आप लोग को। कोई यहाँ आराम से सो रहा है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस, टेल मी। एक्सपीरियंस वॉज नाइस। आई एम सो सॉरी गाइज, लिपस्टिक लग गई, मैं सो रही हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ। एंड एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। आपने मेरे इस व्लॉग में मेरे सारे मूड्स देखे होंगे, नर्वसनेस के, डरने के, एक्साइटमेंट के, एंड मतलब ऑलराउंडर देखा जाए तो ये इवेंट एक नया एक्सपीरियंस था। और सब बोल रहे कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आई डोंट नो मैंने अच्छा परफॉर्म किया कि नहीं किया, बट होप सो आपको अच्छा लगा हो मेरा परफॉर्मेंस। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब कीजिएगा, और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट इस ब्लॉग का अच्छा लगा। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर अभी तक ये ब्लॉग देखने के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।